हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। आज हम लोग इसमें बात करेंगे फ्लोरा एंड फ्यूना पे। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। यानी फ्लोरा में हम उस प्लांट की बात करते हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। जैसे मान लो कुछ प्लांट हम लोगों के आसपास ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह नहीं पाए जाते, तो क्या हो गया? फ्लोरा हो गया। यानी फ्लोरा का मतलब हो गया कि सम प्लांट्स दे आर द फाइंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। फ्यूना क्या होते हैं? फ्यूना आर द एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। यानी प्लांट अगर एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है तो उसको हम फ्लोरा कहते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में एक एनिमल पाया जाता है, जैसे मान लो कुछ एनिमल्स हम लोग के एरिया में दिखते हैं लेकिन दूसरे एरिया पर नहीं मिलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वो फ्यूना हो गया। अब द फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी कॉन्सिस्ट ऑफ द साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न, सीटिस। एक ऐसे प्लांट है जो अपने एक पार्टिकुलर एरिया में होता है। जैसे मान लो हम लोग यहाँ कि अभी जंगल में जाओ, जैसे पकड़ी जंगल में जाओ, चौक जंगल में जाओ, तो क्या पाओगे? वहाँ पे साल, साखू के वृक्ष बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन हम दूसरे एरिया में जाएं तो शायद साखू के वृक्ष नहीं मिलेंगे, इसलिए वो क्या हो गए? फ्लोरा हो गए, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑफ द प्लांट है और एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं। उसी तरह से कुछ एनिमल भी होते हैं जो पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, दूसरे एरिया में जाने पर उनकी संख्या नहीं मिलती है या वे नहीं दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूना कहते हैं। द फ्यूना ऑफ ए पंचमढ़ी कॉन्सिस्ट ऑफ द वाइल्ड डॉग। अब कह रहा है कि जैसे फ्यूना में पंचमढ़ी में जाएं तो वाइल्ड डॉग मिलते हैं, चीतल मिलते हैं, वोल्फ मिलते हैं, लिपर्ड हैं, ब्लू बुल है, वॉर्किंग डियर है। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल हैं, दे आर द फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो अगर पार्टिकुलर एरिया में प्लांट है तो उसे हम फ्लोरा कहते हैं, और पार्टिकुलर एरिया का अगर एनिमल है तो हम क्या कहते हैं? फ्यूना कहते हैं। अब देखिए इंडेमिक स्पेसिस। तो इंडेमिक स्पेसिस क्या होता है? कि इंडेमिक स्पेसिस आर द दोज स्पेसिस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनी वेयर इजली। यानी कह रहा है कि कुछ विशेष एरिया में कुछ जब विशेष प्रकार के एनिमल या प्लांट जो पाए जाते हैं जो किसी दूसरे एरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे एनिमल या प्लांट को क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पेसिस कहते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी। अब जैसे किया हुआ है कि जैसे वाइल्ड मैंगो है, ठीक है, तो वाइल्ड मैंगो ये केवल पंचमढ़ी रीजन में पाया जाता है, पूरे भारत में फिर यह वाइल्ड मैंगो नहीं पाया जाता है, तो इसलिए वह क्या हो गया? वो हमारा फ्लोरा हो गया। फिर उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे बाइसन है, इंडियन गैंट है, स्क्वायरल है एंड फ्लाइंग स्क्वायरल है, दे आर द फाउंड इन एंडेमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया, उस पंचमढ़ी एरिया में। अब ये कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं जो उस एरिया के बाहर दूसरे एरिया में नहीं मिलते हैं, तो ये हो गया कि दैट मीन्स सम पार्टिकुलर एनिमल एंड प्लांट दे आर द फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, दे आर द नोन एज द एंडेमिक स्पेसिस। उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पेसिस कहते हैं। अब दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिया हुआ है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। यानी एक ऐसा एरिया जिसमें हम कोई किसी एनिमल या को कोई दूसरा कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। डिस्टर्बेंस टू देन आर देयर द हैबिटेट, द किलिंग आर द कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ताकि जो सेंचुरी होते हैं उसमें ह्यूमन की एंट्री को एकदम बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसमें गवर्नमेंट एक्ट भी ला दिया है कि अगर कोई फॉरेस्ट एरिया अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट हो गया है तो उस एरिया में ह्यूमन की एंट्री क्या होती है? डिनाई होती है। उस पर गवर्नमेंट ने एक्ट लगा दिया है, अगर वहाँ पर आदमी अगर घुसता है तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत उस पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो होता है कि उस पार्टिकुलर एरिया में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, तो उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हम किसी फॉरेस्ट एरिया को सर्च करते हैं हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड सम अदर पार्ट्स आर द गिवन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।